मध्य प्रदेश के बैतूल में बने मेढ़ा जलाशय का पानी आठनेर के किसानों की 4,800 हेक्टेयर भूमि के लिए दिया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई बढ़ाकर भैंसदेही विकासखंड के किसानों को भी इसका लाभ दिया जाए। इस बात की मांग को लेकर सैकड़ों किसान शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। किसानों के साथ ज्ञापन देने पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता राजा ठाकुर ने बताया, इस बार बारिश अधिक होने से किसानों की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, जिसका सर्वे कराकर फसल बीमा दिलवाया जाए, इस बात की मांग भी ज्ञापन के माध्यम से की गई है। वहीं किसानों का कहना है कि मेंढा जलाशय जो कि अभी निर्माणाधीन है, जिससे 11,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु निर्मित किया जा रहा है और जिसका लाभ अभी 4,800 हेक्टेयर में आठनेर के किसानों को सिंचाई हेतु उपलब्ध होगा, जिसकी ऊंचाई बढ़ाकर इसका लाभ भैंसदेही विकासखंड के किसानों को भी दिया जाए, ताकि 30 गांव के किसानों को इसका लाभ मिल सके। मेंढा जलाशय 11,000 हेक्टेयर के लिए डिजाइन किया गया, TSB 11,000 हेक्टेयर के लिए, परंतु 5,800 हेक्टेयर सिर्फ आठनेर विकासखंड में पानी जा रहा है, भैंसदेही विकासखंड में जमीन जा रही है और पानी भी हमारा भैंसदेही विकासखंड का है। 4,500 हेक्टेयर के लिए अभी भी वहाँ पे पानी जमा हो सकता है, मिल सकता है, अगर उसकी हाइट बढ़ा दी जाए। हमारी यही मांग है कि मेंढा जलाशय की हाइट बढ़ा दी जाए, इससे लगभग 30 गांव के 11,000 से अधिक एकड़ जमीन में पानी पहुँचेगा। दूसरी हमारी मांग है कि अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें बर्बाद होगी। 15 दिन पहले जो सर्वे किया था उस समय स्थिति अलग थी, परंतु लगातार 2 दिन से भी चलते वर्षा हो रही है, इससे 80% से ऊपर फसलें बर्बाद हो गई है। शासन इसका विधिवत सर्वे कराए और जो सर्वे होता है उसकी प्रतिलिपि उसकी जिसको मुआवजा दिया जा रहा है उसको पंचायत में चस्पा करें, पंचायत में अवगत कराएं। ये मुख्यमंत्री के भी निर्देश है। हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, इस देश के किसान हितकारी नेता नरेंद्र मोदी को कोटि से धन्यवाद देते हैं। पुनः शिवराज सिंह चौहान। भैंसदेही से मनीष राठौर की रिपोर्ट।